हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे रायन टेरी की। तो गाइस, रायन टेरी इज़ रेडी टू डिफेंड हिज टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला टाइटल डिफेंस करने के लिए तैयार है रायन टेरी। एक ऐसा टाइटल गाइस जिसको जीतने के लिए रायन टेरी को 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं पूरे 10 साल लग गए थे, उसके बाद वो टाइटल उनको मिला। और यहाँ पर रायन टेरी अपनी इस अपडेट के साथ गाइस एक कैप्शन भी शेयर करते हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 8 वीक्स आउट अपडेट में मेरी प्रेप हाफ कंप्लीट हो गई है और मैं आपको बता नहीं सकता कितना ज़्यादा डिटरमिंड वो कितना ज़्यादा इंप्रूव मैं कर चुका हूँ लास्ट ईयर से इस टाइटल को रिटेन करने के लिए। मुझे काफ़ी लंबा टाइम लगा इस मेंस फिजिक टाइटल को जीतने के लिए मिस्टर ओलंपिया में, और अब मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि इसको मैं जाने दूँ, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब ये एक बहुत ही खास साल है, बिकॉज ये 60th एनिवर्सरी है मिस्टर ओलंपिया की। तो इसका मतलब है गाइस, रायन टेरी ने 16 वीक्स की प्रेप करी है इस अकॉर्डिंग, तो बिकॉज हाफ ये बोल रहे हैं अपनी प्रेप को और 8 वीक्स बचे हैं अभी भी। तो आई वुड से ही इज लुकिंग वेरी डाइज्ड गाइस, इनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना स्केड्यूल से ये आगे ही है अभी, ऐसा लग रहा है 3 वीक्स आउट हो। और मुझे यहाँ पर ये उर्स कैसिंस्की की याद भी दिला रहा है, बिकॉज इससे पहले जब भी हमने उर्स की प्रेप देखी है ना, तो वो शो से काफ़ी टाइम पहले पील्ड होकर कंडीशन होकर रेडी होकर तैयार होकर बैठ जाते थे, और इस चीज़ से उनको काफ़ी टाइम तक दिक्कत आती थी उस चीज़ को मेंटेन करके रखने में। और आई बिलीव ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो मैं समझता हूँ कि रायन को भी थोड़ी सी स्लो अप्रोच रखनी चाहिए थी, अपनी प्रेप को थोड़ा सा स्लो चलाते ताकि इतना ज़्यादा इनको मेंटेन नहीं करना पड़ता। बिकॉज मैंने जैसा अभी बोला गाइस कि इनकी 3 वीक्स आउट अपडेट लग रही है, 8 वीक्स आउट नहीं, इतने ज़्यादा कंडीशन इतने ज़्यादा पील ये ऑलरेडी लग रहे हैं, डिप्लीटेड साइड पर भी लग रहे हैं, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो क्या रायन टेरी गाइस अपना टाइटल डिफेंड कर सकते हैं, क्या ये रिटेन कर सकते हैं इस साल भी? आई थिंक गाइस इट्स टाइम कि रायन टेरी का टाइम चले अब कुछ लंबे टाइम तक, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी मेंस फिजिक, और जो हम एक्चुअल बीच बॉडी की डेफिनेशन बोलते हैं काफ़ी लंबे टाइम से रायन टेरी को, उस पर सिर्फ यही इतने ज़बरदस्त खड़े उतरते हैं, किसी और को हम नहीं देख सकते। बस वही है कि इस फिजिक को मेंटेन करके रखें, काफ़ी ज़्यादा जल्दी तैयार होने की वजह से कुछ ज़्यादा साइज लूज वगैरह ना कर दें या फिर कोई और इशू ना आ जाए। बिकॉज देखो, अगर थोड़े से भी ऑफ आ गए ना, तो आपको पता है मेंस फिजिक डिवीजन कितना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आई थिंक आउट ऑफ ऑल द डिवीजन्स मेंस फिजिक इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल डिवीजन। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, जजेस यूँ अपनी ओपिनियन चेंज कर लेते हैं जैसे कोई बात ही नहीं थी लास्ट ईयर, कभी भी कहीं पर भी फिसल जाते हैं इस डिवीजन के अंदर, स्पेशली जब एरिन मैक्स जैसे कंपेटिटर आपके सामने हो गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। अब देखो, ब्रैंडन तो इस साल नहीं कम्पीट कर रहा है, इसका मतलब खास तौर पे यही है कि ब्रैंडन ने जो बोला था लास्ट ईयर रिटायरमेंट की बात वो पूरी तरह से सही नहीं है। अभी ब्रैंडन दोबारा से कम्पीट करते हुए भी दिखेंगे नेक्स्ट ईयर आई बिलीव, बिकॉज नहीं तो वो बोल देते कि मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि भाई मैं इस साल को ऑफ ले रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से लगातार कम्पीट करे जा रहा हूँ। तो इसका मतलब तो यही है, आप समझ गए होंगे। बाकी एरिन मैक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं, और अगर लास्ट ईयर की प्लेसिंग के हिसाब से देखेगा इस, तो एरिन मैक्स से थर्ड प्लेस पर और सेकंड पे थे ब्रैंडन करी। तो ब्रैंडन करी नहीं होंगे, तो यहाँ पर अगर हम सीधे लिस्ट के हिसाब से चलें तो रायन टेरी के अब चैलेंजर टॉप कंपेटिटर यहाँ पर एरिन मैक्स ही होंगे फाइनल कॉल आउट में। बाकी इमैनुअल हंटर हो गए, कोरी मोरिस हो गए, डियोगो मोंटेनेग्रो, इन सबको मैं ऐसा थ्रेट नहीं देखता हूँ रायन के मुकाबले जैसा कि एरिन मैक्स को देखता हूँ उस टाइम पर। इट जस्ट एरिन इज वेरी वेरी स्ट्रांग एंड इफ ही कम्स इन बेटर देन दुबई गाइस, क्योंकि दुबई में देखो वो ऑफ थे, काफी ज्यादा वाटरी साइड पे थे, उतने ज्यादा डाइस नहीं थे, उतने ज्यादा कंडीशन नहीं थे, कार्ब लोडिंग में कुछ गलती हुई थी और इस चीज को उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है एलेक्स टॉपलिन के पॉडकास्ट वाली वीडियो के अंदर। तो अगर वो उससे बेटर आगे अपनी वेस्ट को टाइटर साइड पे करके अगर ड्रायर साइड पे आ गए, तो उनके लिए काफी अच्छा जाएगा मिस्टर ओलंपिया, और एक चैलेंज डेफिनेटली अपनी इंप्रूवमेंट्स के साथ में वो रायन टेरी के लिए खड़ा कर सकते हैं। बट उसके बाद भी गाइस नथिंग कैन बी सेड अबाउट मेंस फिजिक, लेकिन रायन टेरी इज द बेस्ट चॉइस, और मेरे हिसाब से गाइस इनको ही टाइटल डिफेंड करना चाहिए। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपकी क्या ओपिनियन है, कि आपको लगता है एरिन मैक्स रायन टेरी को बीट कर देंगे या फिर कोई और चैलेंजर उभर कर आएगा और वो रायन टेरी को बहुत ज़बरदस्त टक्कर देगा और टाइटल लेकर चला जाएगा। एनीवेज, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि निक वॉकर की। तो यहाँ पर निक वॉकर ने भी 8.5 वीक्स आउट अपनी अपडेट शेयर करी है साइड चेस्ट पोज हिट करते हुए। ये आफ्टर वर्कआउट है गाइस, बिकॉज देखो जिम के बाहर यहाँ पर इन्होंने ये पिक कैप्चर करी है। एंड निक इज येट अगेन रेडी टू शॉक एवरी वन गाइज, क्योंकि नो मैटर गाइज हाउ मच यू हेट इस शेप, इनके शेप की आप कितनी ज़्यादा बुराई कर लो, इनके एबडोमिनल की कितनी ज़्यादा बुराई कर लो, लेकिन आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इन्होंने हमेशा हर एक सिंगल टाइम जब भी स्टेज पर आए हैं इन्होंने खुद को प्रूव करा है, हमेशा ऑड्स के अगेंस्ट गए हैं, उन ऑड्स को डिफाई करा है और उन ऑड्स को बीट करा है गाइज। हमेशा लोगों ने इनसे एक्सपेक्ट करा, देखो फर्स्ट टाइम आर्नोल्ड क्लासिक नहीं जीतेंगे, ये जीत गए। उसके बाद लोगों ने इनसे एक्सपेक्ट करा कि भाई मिस्टर ओलंपिया में टॉप 3 टॉप 5 नहीं आ पाएंगे, टॉप 5 आ गए, उसके बाद टॉप 3 भी आ गए, और उसके बाद न्यूयॉर्क पर भी जीत चुके हैं। अब लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप 5 आने का, टॉप 6 आने का, तो देखते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी ज़्यादा सही होती हैं। बट इन टर्म्स ऑफ मस्कुलैरिटी गाइस ही इज़ इनसेनली फुलर एंड कम्प्लीट। और अगर निक ने गाइस सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लोटिंग वाले इशू को थोड़ा सा होल्ड कर लिया ना, क्योंकि मुझे लगता है न्यूयॉर्क प्रो में इनकी वेस्ट इतनी ज़्यादा थिकर साइड पर नहीं थी जितना कि इनका ब्लोटिंग इशू की वजह से ये चीज़ पता लग रही थी, जिसने इनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करा। एंड अगर निक ने अपने स्टमक को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर लिया, ही ट्रूली इज़ राइट देयर गाइस, फिर से लोगों को गलत प्रूव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखो मोस्ट मस्कुलर
पॉपुलर पोस्ट। इवन निक के हेटर्स भी बोलेंगे कि निक का बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, निक कैन चैलेंज एंड बीट एवरीवन इन दैट पोज। उसके बाद बात कर लो साइड चेस्ट की, निक का एक टोटली अनबीटेबल पोज है, बहुत ही स्ट्रांग पोज है। सेम स्टोरी आती है साइड ट्राइसेप में, जिस तरह से उनका फ्लो लगता है, जिस तरह से उनके एस्थेटिक्स लगते हैं इस पोज के अंदर, इवन विद अ वाइडर वेस्ट गाइस, जिस तरह से वो इस पोज को हिट करते हैं ना प्रेजेंटेशन, इट मेक्स अप फॉर एवरीथिंग। उसके बाद अगर आप बैक पोजेस को देखो तो बैक पोजेस यस गाइस निक के डायरेक्ट जितने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन निक के बैक पोजेस आर वेरी वेरी स्ट्रांग। कंडीशनिंग में आप जानते हो सिर्फ हार्डी के साथ निक का ही कंपैरिजन करा जा सकता है, और कोई इस लेवल पर कंडीशन, इस लेवल पर पील नहीं आ पाता और ना ही इस साल आ पाएगा। इस बारे में भी आप अभी से मार्क कर सकते हो इस कमेंट को। सो ही इज वेरी वेरी कंपेटिटिव। सो आई थिंक गाइज जितना निक को ओवरलुक करा जा रहा है इस वक्त, जितना कम आकर जा रहा है इस वक्त, निक कैन डेफिनेटली गाइज मेक पीपल ईट द अवार्ड्स। लोगों को अपने अवार्ड्स ही चबाने पड़ जाएंगे, निक ऐसा पैकेट लेकर आ जाएंगे, क्योंकि निक ने हमेशा यही करा है गाइज, हमेशा ऑड्स को डिफाई करा है। और कोई भी अगर थोड़ा सा भी ऑफ आ गया ना, सैमसन, एंड्रू, डेरेक वगैरह, तो निक इज ब्रूटली गोइंग टू पुश देम और सच में उनकी प्लेसिंग अपने नाम कर लेंगे, मौका नहीं देने वाले। इतने ज्यादा कंप्लीट ये हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग इनके पोजेस हैं। और जजेस ने भी यही बोला कि निक जब वॉक करते हैं या फिर ट्रांजिशन के टाइम पे उनके थोड़ा सा स्टमक का इशू दिखता है, लेकिन ये बात आप भी मानोगे कि व्हेन ही हिट्स अ पोज गाइज ही होल्ड्स दैट रियली रियली गुड प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी इनकी पोजिंग की, और यही इन द एंड इज गोइंग टू मैटर। इसी बेस पर वो थर्ड प्लेस करे थे, इसी बेस पर उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक जीता था, और इसी बेस पर उन्होंने न्यूयॉर्क प्रो भी जीता है। तो अब लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर हिम, बट आई रियली बिलीव कि निक हैज द पोटेंशियल टू टोटली शॉक द वर्ल्ड। बाकी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि डेरेक लंसफोर्ड की, एंड डेरेक लंसफोर्ड ने भी अपनी लेटेस्ट 8 वीक्स आउट अपडेट शेयर करी है, यहाँ पर मोस्ट मस्कुलर क्रैब वाला हिट करते हुए। और डायरेक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि व्हेन द लाइटिंग इज राइट और पूरे साल की आपकी ट्रेनिंग की हर एक डिटेल देखने लगे, तब मजा आता है। एंड अनडाउटली गाइस डायरेक्ट इस अपडेट में इज लुकिंग रियली रियली ह्यूज, बहुत ज्यादा फुलनेस कैरी करते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली आप फ्रंट डेल्स का पोर्शन देखोगे और साथ में अपर चेस्ट का पोर्शन देखोगे तो आपको पता लगेगा कितनी ज्यादा फुलनेस, कितनी ज्यादा मास कैरी करते हुए दिख रहे हैं। बट देन अगेन ये वर्कआउट के बाद की वीडियो है गाइस, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से पम्प्ड अप है, वो ब्लड फ्लो बिल्कुल इनके हो रहा है उस वक्त, स्टक है वहां पर चेस्ट में और डेल्ट में। लेकिन उसके बाद भी गाइस जहां पर ये अच्छे लग रहे हैं वहां पर बोला जाना चाहिए, ही इज लुकिंग क्रेजी इन दिस अपडेट। बट उसके बाद भी नॉट टू मेंशन ये इस वक्त पम्प्ड अप है, साथ में परफेक्ट लाइटिंग का यूज कर रहे हैं। बट सो फार आई थिंक फ्रंट शॉट्स में अगर मैं सबसे बेस्ट अपडेट बोलूँ डायरेक्ट लंसफोर्ड की, तो इन लास्ट 2 ईयर्स में मुझे सबसे बेस्ट अपडेट डायरेक्ट की यहाँ पर यही लगी। बट कंडीशनिंग में अगर फिर से मुकाबला करेगा इस, तो डायरेक्ट हार्डी के टक्कर में कहीं भी नहीं है, इस बात को आप भी अग्री करोगे। ही इज नॉट दैट फील राइट नाउ, बट गाइस बट एट द सेम टाइम अगर ये अपनी इसी फुलनेस को कैरी कर लेते हैं और कंडीशन आ जाते हैं लास्ट ईयर से ज़्यादा, शेडिड आ जाते हैं लास्ट ईयर से ज़्यादा, ही कैन डेफिनेटली पुट अ चैलेंज टू एवरीवन गाइस। मतलब यहाँ पर हार्डी के लिए मुश्किलें बढ़ा देंगे ये, बिकॉज एस्थेटिक्स इनके साथ हैं, शेप इनके साथ है, और कंडीशनिंग के थोड़े से फैक्टर को अगर ये लास्ट ईयर से इंप्रूव आ गए तो थोड़ा सा ये मेकअप कर देंगे दूसरी चीज़ों के थ्रू। एंड डायरेक्ट जानते हैं गाइस कि ये उनका टफेस्ट साल है, 3रा साल है उनका ओपन डिवीजन में, और इसमें ही इतना टफ कॉम्पिटिशन इनको फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनके ऊपर होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर होगा इस टाइटल को डिफेंड करने का। बिकॉज देखो हमारी तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं मानते कि डायरेक्ट इज डिजर्विंग, इसीलिए डायरेक्ट का सबसे बिगेस्ट चैलेंज उनके सामने खड़ा है। और डायरेक्ट जैसा मैंने अभी बोला गाइस, अगर पहली बार अपनी फ्रंट में भी वैसी कंडीशन लेकर आ जाते हैं जैसी बैक में ही लेकर आते हैं, देन आई गेस हम सबको टाइम मशीन में बैठना पड़ेगा और पीछे जाके जस्टिफाई करना पड़ेगा कि डायरेक्ट भाई डिजर्व करते थे ये टाइटल जीतना, हमने सही मिस्टर ओलंपिया बनाए। बट अभी के लिए तो आई रियली डोंट नो कि क्या होता है, लेकिन हार्डी के चांसेस आर वेरी वेरी स्ट्रांग राइट नाउ कंपेयर टू ऑल दीज अपडेट्स। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि मैथ्यूज मैनेगेट की। सो लास्ट यानी कि हमने टेक्सास प्रो में इन्हें कम्पीट करते हुए देखा था फाइनल कॉल आउट में, वहां पर ये जीते नहीं थे लेकिन इनका टाइम आना बाकी था। एंड यहां पर इस शो के अंदर गाइस ही केम इन मोर कंडीशन, मोर डाइस्ड एंड मोर रिफाइंड, एंड इस बार ये क्वालिफाई कर गए हैं क्लासिक डिवीजन से मिस्टर ओलंपिया के लिए। यहाँ पर देखो मैथ्यूज के फिजिक को देख के, मैथ्यूज की प्रेजेंटेशन को देख के और मैथ्यू के स्ट्रक्चर को देख के आपको कहीं कहीं एक सीबम की याद नहीं आएगी, और कहीं कहीं गाइस इन्होंने लास्ट शो में जब ये अपीयर कर रहे थे वहां पर ये रमॉन की याद दिला रहे थे। तो ये ब्राजीलियन है और कहीं ना कहीं ना ये दोनों की एक झलक रखते हैं अपनी फिजिक के अंदर, इमेंस पोटेंशियल कैरी करते हैं। और ये शो था मसल कॉन्टेस्ट कैंपिनोस, जहां पर जीत कर इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। एंड मैथ्यू डेफिनेटली गाइस यहां पर लास्ट टाइम के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ड्रायर साइड पर आए थे, मसल्स वो पूरी तरह से हार्डनेस कैरी करते हुए दिख रहे थे, ही वॉज स्पील्ड, कोई भी वाटर होल्ड नहीं कर रहे थे, जबकि लास्ट टाइम ये थोड़ा सा वाटर होल्ड करते हुए हमें दिखे थे। हाँ वो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ये काफी फ्लैटर साइड पे दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है फ्लैटर दिखना ज्यादा बेटर है कंपेयर टू लुकिंग वाटरी, और इन्होंने इस चीज को अच्छे से पकड़ा है। इनको सिर्फ मसल मास ऐड करनी है गाइस, आई थिंक फर्स्ट ईयर है, डेब्यू ईयर के लिए ये फिजिक बहुत ज्यादा अच्छी है एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन मसल मास ऐड करने के बाद आने वाले सालों में ही इज गोइंग टू लुक रियली गुड। इमेंस पोटेंशियल इनमें दिख रहा है, जबरदस्त कैपेबिलिटीज इनमें दिख रही है, एंड आई रियली लाइक हिज फिजिक।
एनी वेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि हकीम विलियम्स की। एंड हकीम विलियम्स ने अभी गेस्ट पोजिंग करी है। यस गाइस, 8 वीक्स आउट के स्टेट में इन्होंने गेस्ट पोजिंग करी है न्यू जर्सी स्टेट चैंपियनशिप्स में। एंड 8 वीक्स आउट हकीम लुक रियली ऑन गाइस, इनकी कंडीशन ऑन पॉइंट थी, मसल मास भी काफी अच्छे से रिटेन करते हुए दिख रहे थे, पील्ड ही वॉज रियली गुड। तो स्केड्यूल पे है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पीछे चल रहे हो। क्रिस इनके साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं एंड दे बोथ आर टेकिंग नो चांसेस। मसल डेंसिटी देखो इनकी हमेशा ही काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी कैरी करते हैं। मतलब जैसे ही अपडेट्स में लग रहे थे ना, जो हमने लास्ट अभी अपडेट्स इनकी कवर करी थी, उनसे तो आई थिंक ये बेटर ही लग रहे थे यहाँ पर। तो वंस अगेन गाइस, अकीम इज रेडी टू क्रैक टॉप 10। अकीम का सिर्फ और सिर्फ वीक शॉट गाइस एक ही है, बैक डबल बाइसेप, जहां पर इनकी बैक उस तरह से कैरी करती हुई नहीं दिखती, उस तरह से डेंसिटी कैरी करती हुई नहीं दिखती, साथ में इनके लैट्स का इशू भी काफी ज्यादा विजिबल हो जाता है। बट अगर इन्होंने अपनी कंडीशनिंग नेल कर दी गाइस, फुलनेस कैरी कर ली इसी तरीके से, ही इज गोइंग टू बी रियली डेंजरस ऑन द स्टेज ऑफ मिस्टर ओलंपिया। एंड आई थिंक हम अब तक का बेस्ट वर्जन देखने वाले हैं अकीम विलियम्स का इस बार स्टेज पर जो आने वाला है। एक बहुत ही सक्सेसफुल एंड काफी प्रोडक्टिव ईयर इनके लिए रहा ये वाला, और इस चीज को ये मेंटेन करके रखना चाहेंगे। बाकी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। तो जैसे गेस्ट पोजिंग्स की तो झड़ी लग गई है, क्योंकि अब मार्टिन फिट्सवाटर ने भी अभी रिसेंटली गेस्ट पोजिंग करी है गाइस कोलोराडो कप के अंदर। 8 वीक्स आउट कंडीशनिंग में मार्टिन यहां पर थोड़ा एक ऐसा लगा कि एक बिल्कुल डिफरेंट रूट पे चले गए हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क प्रो के बाद से इन्होंने पक्का एक प्रॉपर ऑफ सीजन लिया है, क्योंकि मसल मास एडेड लग रही है, काफी ज्यादा मैसिव साइड पे लग रहे हैं, ग्रेट मसल मास इज विजिबल ऑन हिज फ्रेम। बट इसी वजह से आई थिंक ये चीज हुई है कि 8 वीक्स आउट में ही इज नॉट कमिंग अप एज दैट कंडीशन, इनकी कंडीशनिंग ऑन पॉइंट नहीं लग रही है गाइस, काफी ज्यादा सॉफ्ट साइड पे लग रही है, ये 8 वीक्स आउट कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। और अब मुझे नहीं पता कि 8 वीक्स में इतनी अच्छी कंडीशन लेकर आ पाएंगे या नहीं, बट आई बिलीव इन्होंने कुछ ना कुछ प्लान करा ही होगा, क्योंकि मार्टिन डेफिनेटली गाइस अभी तो काफी ऑफ दिख रहे हैं। लेकिन मार्टिन हमेशा ऑफ सीजन में ना काफी सॉफ्ट साइड पे दिखने लग जाते हैं, बट स्टेज पर हमेशा शरीर आते हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। और साथ में टाइलर मीनियन ने भी बोला है कि मार्टिन फिट्सवाटर डेफिनेटली फर्स्ट कॉल आउट के कंपेटिटर हो सकते हैं, विच आई ऑल्सो टोटली अग्री गाइस। 7th प्लेस के लिए ही वॉज इन द प्रिडिक्शन, जिस तरह से इनकी 2 स्टेज अपियरेंस रही है उस बेस पर हमने प्रिडिक्शन करी थी, लेकिन टाइलर ने भी इनको बोला है कि टॉप 6 टॉप 7 के कंटेंडर बनते हैं, तो लेट्स सी हाउ ही कम्स। बट उसके बाद अब अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो है ब्रैट विल्किन की। एंड ब्रैट विल्किन इन्होंने भी यहीं पर अपनी गेस्ट पोजिंग करी है जहां पर मार्टिन ने करी थी। एंड ब्रैट विल्किन राइट नाउ इज 6 वीक्स आउट फ्रॉम लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट गाइस, ताकि ये क्वालिफाई कर जाए नेक्स्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया के लिए। एंड आई थिंक ये 6 वीक्स आउट है, इसीलिए मार्टिन से ज्यादा शार्पर साइड पे लगे, आई थिंक मुझे बोलना चाहिए काफी ज्यादा शार्पर साइड पे लगे और काफी ज्यादा कंडीशन साइड पे लगे। एंड अच्छा लगा काफी टाइम बाद इनको स्टेज पर दोबारा देखने के बाद, बट आई थिंक साइज अभी उस तरह से इनके फ्रेम पर नहीं है, बिकॉज मुझे काफी स्मॉलर साइड पे लगे, साइज इनका और रिक्वायर्ड है, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने इनको देखा था पूरे ऑन मोड में, वहां पर ये काफी ज्यादा साइज कैरी करते हुए दिख रहे थे। बट इट्स अ गुड प्लान, क्योंकि अगर यहां देखो क्वालिफाई हो जाते हैं तो पूरा 1 साल या फिर 1 साल से भी ज्यादा इनको मिल जाएगा अपने फ्रेम को और फुल करने के लिए और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करने के लिए एंड बी अ कंपेटिटिव कंपेटिटर। बट पैट्रिक मोर इज आल्सो गोइंग टू बी कंपीटिंग हियर गाइस, वो भी यहां पर क्वालिफिकेशन के लिए कंपीट करने वाले हैं, तो होप्स हाई तो यहां पर ब्रैट विल्किन के साथ ही हैं, ये ज्यादा प्रॉमिसिंग है जीतने के लिए। बट हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि पैट्रिक के भी चांसेस थोड़े थोड़े बनते हैं, बिकॉज देखो साइज उन्होंने ऐड करा है, किस तरह का फ्रेम वो लेकर आते हैं स्टेज पर, इस बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग राइट नाउ, बट कम आंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साथ में सुनने में ये भी आ रहा है कि नेक्स्ट जिला भी यहाँ पे कम्पीट कर सकते गाइस नेक्स्ट ईयर की क्वालिफिकेशन के लिए। और अगर 6 वीक्स देखें गाइस, तो दुबई प्रो के बाद में 6 वीक्स और इनको अगर मिल गए, यानी कि 2 वीक्स तो वैसे ही ऑलरेडी मिल ही चुके हैं, 6 और 2 8 वीक्स के बाद इनकी कंडीशनिंग काफी ज्यादा हद तक बिल्कुल सही हो जाएगी, और अगर यहाँ नेक्स्ट जिला आ गए ना, तो वो डेफिनेटली एक काफी स्ट्रांग कंटेंडर बन जाएंगे, जो कि क्वालिफिकेशन खा सकते हैं ब्रैट विल्किन और पैट्रिक मोर दोनों से, और फिर इन दोनों के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, उनका प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। बिकॉज देखो इसके बाद नेक्स्ट सीजन जैसे स्टार्ट होगा, सारे कंपेटिटर्स वापस आ जाएंगे न्यू क्वालिफिकेशन के लिए, तो कंपटीशन और ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। एक यही शो है जहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग बनती है इन लोगों के लिए क्वालिफाई करने की, जो कि नेक्स्ट जिला अगेन इनसे ले सकते हैं। बट लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर देम, क्योंकि नेक्स्ट जिला को हमने देखा अभी लास्ट शो इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं था, वैसे 8 वीक्स के बाद कंडीशन अच्छी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी नथिंग कैन बी सेड अबाउट हिम। बाकी मैट जॉनसन है इनके ब्रैट विल्किन के कॉर्नर में, इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं इस टाइम पर भी। बाकी आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी अपडेट आपको कैसी लगी, किस ओपिनियन से आप बिल्कुल अग्री करते हो, किससे आप डिफर करते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।